झूठ का पर्दाफाश। क्या नेहरू को सरदार पटेल पसंद नहीं करते थे? सरदार पटेल के नाम पर भाजपा सालों से राजनीतिक रोटियां सेकती आई है, वही भाजपा जिसके आका आरएसएस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया। मोदी जी कहते हैं कि पटेल को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। उन्हें नहीं मालूम कि जिस सरोवर के किनारे पटेल की मूर्ति उन्होंने लगवाई, 1961 में परियोजना का शिलान्यास भी नेहरू ने ही किया था। न नेहरू की बात को पटेल काटते थे, न ही पटेल की बात को नेहरू। आजादी के बाद जब देश के कई नेता पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, तो उन सभी को पटेल ने जवाब देते हुए कहा, जिसे बापू ने तय किया है वही हमारा नेता होगा। फरवरी 1950 में नेहरू की ओर से पटेल को प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया, उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस काल में बने राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान, तमाम स्कूल और कॉलेज के नाम, देश की कई सड़कें, पार्क, स्टेडियम और एयरपोर्ट सरदार पटेल के नाम पर हैं। सरदार पटेल भी नेहरू के कार्यों की खूब प्रशंसा करते थे। नेहरू के 59वें जन्मदिन पर पटेल ने संविधान सभा में कहा, महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना और यह देखकर बहुत संतोष होता है कि सही व्यक्ति को चुना गया। नेहरू सच्चे अर्थों में गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हैं और उन्होंने विश्व के राष्ट्रों के बीच भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। सच कह रहा हूँ, जब भाजपाई अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गुलाम हो चुके अंधभक्तों के सहारे नेहरू और कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाते हैं, तो पटेल की आत्मा रो उठती होगी। काश आज पटेल जिंदा होते तो फिर से भाजपा और संघ पर प्रतिबंध लगा देते।